सुप्रभात हिमाचल। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। सेब बागवानों को झटका, हिमाचल में 15% तक बढ़ाए कार्टन के दाम, बाजार से महंगी खरीदनी होगी पैकिंग ट्रे। हिमाचल प्रदेश के 9 लाख सेब बागवानों को सरकार के उपक्रम HPMC ने कार्टन के दाम पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है। यही नहीं, इस बार बागवानों को महंगे दामों पर पैकिंग ट्रे भी बाजार से खरीदनी होंगी। पिछले साल बाजार से सस्ते दामों पर निगम ने कंपनियों से पैकिंग ट्रे उपलब्ध करवाई थी। इस बार कोई भी कंपनी ट्रे उपलब्ध करवाने के लिए आगे नहीं आई। हिमाचल में 60,000 स्वयं सहायता समूहों की बनेगी कंपनी, 3,73,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार की राह आसान कर रहे 60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की अब कंपनी बनाई जाएगी। समूहों से जुड़ी प्रदेश भर की 3,73,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में नाबार्ड मदद करेगा। दूसरी ओर 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का कंपनी में निवेश किया जाएगा। कंपनी तैयार उत्पादों में सुधार लाकर बाजार भी उपलब्ध करवाने में नाबार्ड मदद करेगा। प्रदेश में हर स्वयं सहायता समूह छोटे छोटे स्तर पर हथकरघा, हैंडलूम से लेकर खाने पीने का सामान तैयार करता है। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में IG JP सिंह से 2 घंटे पूछताछ। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में विशेष जांच टीम SIT ने पिछले कल भर्ती कमेटी के प्रमुख IG JP सिंह और एक अन्य पुलिस अधिकारी से पूछताछ की है। इन दोनों अधिकारियों को विशेष जांच टीम ने मंडी बुलाया था। यहां इनसे करीब 2 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। वहीं सूत्र बताते हैं कि SIT को आशंका है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी लापरवाही रही होगी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मंगलवार को भी इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। प्रतिभा सिंह बोली, भाजपा से कई नेता कांग्रेस में आने को आतुर। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने पिछले कल कुल्लू जिले के सैंज दौरे के दौरान कहा कि भाजपा से पंडित खिमी शर्मा अपनी इच्छा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई नेता कांग्रेस में आने को आतुर हैं और उनका भी पार्टी में स्वागत किया जाएगा। प्रतिभा सिंह के सैंज दौरे में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए खिमी राम शर्मा चर्चा में रहे। हिमाचल में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,500 के पार, 358 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पांव पसरता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 358 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,580 पहुंच गया है। प्रदेश में 25 कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। दूसरी ओर ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पिछले कल प्रदेश में 3,761 लोगों के सैंपल की जांच की गई। जिला कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 346 सक्रिय मरीज हैं। इसके साथ ही चंबा में 326 और शिमला में इनकी संख्या 174 हो गई है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नियमित सेमेस्टर और रीअपेयर परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए आप HPTU की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। खिमी प्रकरण के बाद भाजपा में हलचल, पूर्व मंत्री रूप सिंह ने भी दिखाए तेवर, डैमेज कंट्रोल के लिए शिमला पहुंचे सोदान।
पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री रहे खिमी राम के कांग्रेस में जाने के प्रकरण के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा में हलचल बढ़ गई है। अब पूर्व मंत्री रूप सिंह ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि उनका कांग्रेस में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन उनका बेटा अभिषेक इस बार सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। उधर पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधांश सिंह पिछले कल शिमला पहुंच गए हैं। उन्होंने आते ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्बाल और त्रिलोक कपूर से बैठक कर राज्य के सियासी हालात पर मंत्रणा की। 10% कोटा न बढ़ाने से प्रवक्ता खफा। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से प्रवक्ताओं का कोटा 10% बढ़ाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले कल संघ के महासचिव संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से हमीरपुर में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में संजीव ठाकुर के साथ जिला हमीरपुर प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा और जिला कार्यकारिणी के अन्य सदस्य शामिल थे। प्रवक्ता संघ के महासचिव संजीव ठाकुर ने बताया कि संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष पालमपुर सम्मेलन में की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग उठाई। जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर नपेंगे वीडियो। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर संबंधित वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 40 ब्लॉकों में वीडियो की कोताही पर राज्य सरकार ने ADC को पत्र जारी किए हैं। कई वीडियो ने नेशनल पेंशन स्कीम NPS की धनराशि काटने के बाद समय पर कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली। इसके अलावा इन कर्मचारियों की बीमा राशि तक नहीं काटी गई और ऐसी स्थिति में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा राशि तक नहीं मिल पाई। वहीं इन सभी मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने जिलों के ADC को 10 दिन के भीतर बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कोरोना बंदिशों समेत इन फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की जाएगी। इसमें कोरोना बंदिशों पर फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। MBBS डॉक्टरों की भर्ती के बारे में भी निर्णय हो सकता है कि इसे राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करना है या फिर काउंसलिंग के आधार पर किया जाना है। कैबिनेट की इस बैठक में राज्य में कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का मामला भी जा सकता है। मांगों को लेकर गरजे कंडक्टर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी न होने पर चक्का जाम करने का ऐलान किया। वहीं चालक परिचालकों के माने तो जो वित्तीय लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे परिचालकों के अनुसार उनकी लड़ाई ग्रेड पे को लेकर है। उन्होंने बताया कि उनका ग्रेड पे में भारी कटौती की गई है, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाया गया है। उन्होंने इसे अन्याय की संज्ञा दी है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।